हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आगे वर्ड देखेंगे, ऐसे उसको सिनोनिम्स देखेंगे। तो पहला वर्ड है एड नोसियम, उसका मतलब होता है रिपीटिंग मेनी टाइम्स। उसको आप कोई चीज है, क्या कहते हैं, कोई सेंटेंस है, कोई चीज है, कहावत है, कुछ है, रिपीटिंग मेनी टाइम्स, उसको बार बार ऐसा रिपीट कर रहे हैं कि वो एनाइंग हो जा रहा है, बोरिंग लग रहा है, ठीक है ना। एड नोसियम, ऐसे हम लोग इसको देखेंगे, एड नोसियम, ठीक। मतलब इसे ऐड आता है, हम लोग देखते हैं ना टीवी वगैरह में, यूट्यूब वगैरह पे ऐड आता है, बार बार ऐड आता है, तो आदमी क्या होता है, बोरिंग लगने लगता है। वही कोई मूवी आ रही है, बीच में ऐड ऐड आ गया, कोई आ गया, तो आपसे जो ऐड आया बार बार, ये इसको नोसियम बना दिया। मेनी टाइम्स रिपीट हुआ, ऐड बार बार रिपीट हुआ, क्या हो गया, एनॉइंग हो गया, बोरिंग लगने लगा आपको, ठीक है। सिंपल है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि ऐड आने से क्या कहते हैं, कोई चीज बोरिंग हो जाती है, बार बार बोर लगने लगी तो बोरिंग हो गई, एनॉइंग हो गई, जिसको हम लोग एनॉय करेंगे, ठीक है। अगला है एडहेरेंस। एडहेरेंस मतलब फॉलोअर या सपोर्टर जो होते हैं, या किसी ऊपर जो बिलीव करने वाले होते हैं, बिलीवर होते हैं, ठीक। हम लोग देखेंगे एडहेरेंस, ठीक ना। इसे कहते हैं रेंट, रेंट पे हम लोग जिसे रहते हैं या कोई भी रहता है रेंट पे, तो उनको क्या करना पड़ता है, जो उनके लैंडलॉर्ड हैं, मकान मालिक हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनका फॉलोअर बनना पड़ता है, क्योंकि हम रेंट दे रहे हैं, ठीक ना, रेंट पे रह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, फॉलोअर होंगे, उनका सपोर्ट भी करेंगे। अगर कोई बात कहते हैं गलत भी है, आप हाँ ये मत करिए, वो मत करिए, आप हाँ हाँ ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, और भाई बिलीव भी करते हैं, ठीक है, हाँ कि मकान मालिक है, कोई भी बात हुई तो कहते हैं उनको हम बिलीव करेंगे, ठीक ना। रेंट, क्योंकि हम रेंट देते हैं, एडहेरेंट, यहाँ से हम लोग सकते हैं एडहेरेंट होंगे, हम लोग रेंट दे रहे हैं क्योंकि हम लोग उनके फॉलोअर हैं, सपोर्टर हैं, बिलीवर हैं, ठीक। अगला है एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है टू वार्न, किसी को वार्न करना, या स्कोल्ड जेंटली, डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, मगर जेंटली मतलब बहुत पीसफुली डांटेंगे, ज्यादा एग्रेसिव मूड में नहीं डांटेंगे, एक एडमोनिस हो गया। ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका एडमोनिस, ठीक, जैसे मान लीजिए आप ये कोई हैं, वैसे देखिए बॉयज लोग डांटते हैं तो वो तेज डांटते हैं, गर्ल्स डांटते हैं उसको डांटते हैं, मतलब एक है लड़की है, उनका नाम है मोनिस, मतलब मोनिका है या मोनिसा है, जैसे मोनिसा है, इनको इनको कहते हैं डांट तो रहे हैं, मगर कैसे डांट रहे हैं, क्या कहते हैं टीचर, या कोई भी वार्न कर रहे हैं, ठीक है, अगर से मतलब कि ऐसे मत करना, ऐसा हो जाएगा। वहीं कोई अगर कहते हैं कोई और होता, बॉयज होते, उनको डांट देते, मार देते हैं, तो उनको कैसे करें, मोनिका को कैसे करें, स्कोल्ड जेंटली, बहुत जेंटल मोड में कहते हैं, बहुत प्यार डांट रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, एडमोनिस हो गया, ठीक है ना। एडमोनिस मोनिका कैसे कर रहे हैं, जेंटली स्कोल्ड कर रहे हैं। अगला वर्ड हम लोग एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब स्किलफुल होता है, या डेक्स्ट्रस होगा, या श्रूड होगा, जो कल हम लोग पढ़े थे श्रूड, मतलब एक्यूट पढ़े थे, इक्यूमन पढ़े थे, उसके बाद श्रूड होते हैं, जो स्किलफुल होते हैं, ठीक है। एड्रॉइट होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये एड्रॉइट होता है, वैसे तो ये एड्रॉइट आपको यूज किया जाता है जो राइट हैंड वाले होते हैं, उनके लिए कहते हैं यूज किया जाता है। राइट हैंड मतलब जो राइट हैंड से खेलते हैं उनको, मतलब कि माना जाता है जो इसे एम्बिडेक्टस वगैरह होता है, जो राइट हैंड वाले होते हैं उनको, मतलब उनको परफेक्ट नहीं माना जाता, लेफ्ट वालों को क्या कहते हैं, परफेक्ट नहीं माना जाता। तो जो एड्रॉइट है, क्या है, क्या कहते हैं, ये स्किलफुल है, लिखने में स्किलफुल है, क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रस है, श्रूड है, ठीक है ना। अगला वर्ड है एडुलेशन। ये मतलब फ्लैटरी या एडमिरेशन, आप किसी को एडमायर कर रहे हैं, एडमिरेशन कर रहे हैं, या फ्लैटरी कर रहे हैं, किसे कहने के होता है कि जब आप एडु मतलब एजुकेशन लेने गए, पढ़ने गए, ठीक, आप ये कहते हैं क्या कि उनको लेसन पढ़ाए, लेसन, आजकल बहुत से लोग कौन से लेसन पढ़ाते हैं, फ्लैटरी लेसन पढ़ाते हैं, तारीफ करते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना, एडुलेशन, ठीक। अब वैसे देख लेते हैं हम लोग कि एडुलेशन, एडुलेशन ऐसे हम लोग कहते हैं कि एडल्ट हो गए, अब एडल्ट हो गए तो कौन से लेसन पढ़ते हैं, लोग बड़े होते हैं लगभग एडवर्टाइजमेंट का सा फ्लैटरी लेसन पढ़ लगते हैं, लोग फ्लैटरी करने लगते हैं, ठीक, किसी को फ्लैटरी कर रहे हैं, किसी पैर पड़े हैं, एडमिरेशन कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, झूठी तारीफ किए पड़े हैं, ठीक है ना। तो एडुलेशन एक लेसन पढ़ा रहे हैं, किसका लेसन पढ़ा रहे हैं, एडल्ट हो गए हैं तो फ्लैटरी का लेसन पढ़ा रहे हैं, एडमिरेशन तारीफ कर रहे हैं। अपन एडल्टिरेट ऐसे हम लोग उसको दे सकते हैं कि एडल्ट हो गए अब, ठीक है ना। तो पहले देखिए एडल्ट रेट, अब जो उनका रेट है, क्या कहते हैं, पहले से खराब हो गए, जो कोई चाइल्ड होता है, जैसे वर्ड्स बोलते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक ना, जो चाइल्ड है, क्या कहते हैं, क्या है ये,
इम्प्योर है, इनको मतलब कि किसी चीज में चलाकी नहीं है। बहुत ये कहते हैं एकदम जो है इनको माना जाता है कि गार्ड प्रूफ होते हैं, ये कहते हैं उसमें वही माना गया है कि उनके अंदर कोई मतलब चलाकी नहीं होती है, फ्लूइड नहीं होते हैं। बहुत ये कहते हैं वो होते हैं, मन से साफ होते हैं, इनको चाइल्ड को माना जाता है, ये इम्प्योर है, ये कहते हैं इम्प्योर है, ठीक है। ये इनका नेचर क्या है, प्योर है, झूठ नहीं बोलेंगे, जो होगा प्योर है। मगर जब एडल्ट हो गए, जब बड़े हो गए, क्या हो गए, इम्प्योर हो गए, ये कहते हैं चलाकी आ गई, झूठ बोलने लगे, हर चीज मतलब मैनेज करने आगे बारे में सोचने लगे, कहते हैं एडल्ट रेट, मतलब अब इनका रेट क्या कहते हैं, एडल्ट हो गए, खराब हो गया, पहले प्योर थे, अब इम्प्योर हो गए, इनके अंदर चलाकी आ गई, ठीक है। एडवर्स हम लोग जानते हैं, जो कहते हैं बहुत एडवर्स सिचुएशन है, इधर मतलब विपरीत होता है, आपके जो कोई खिलाफ होकर आयन अनफेवरेबल या एंटागोनिस्ट, जो आपके फेवर में नहीं होगी, आपकी एडवर्स सिचुएशन होगी, ठीक है ना। अब इसे एंटागोनिस्ट, इसका ये एंटागोनिस्ट, इसका आप एंटागोनिस्ट होता है प्रोटागोनिस्ट, जो आपका क्या कहते हैं प्ले वगैरह में क्या कहते हैं मेन रोल जिसका होता है, जो समझिए हीरो होता है, क्या कहते हैं, ठीक ना, उसका प्रोटागोनिस्ट है, क्या कहते हैं, ठीक ना। तो अब आप जो प्रोटागोनिस्ट होगा उसके क्या कहते हैं सिचुएशन, मतलब कि फेवर में हो सकती है, मगर जो एंटागोनिस्टिक चीजें होगी, मतलब कि एंटी है, क्या कहते हैं विपरीत है, तो एडवर्स वैसे बोलते हैं, एडवर्स सिचुएशन है, अनफेवरेबल है, आपके फेवर में नहीं है। एंटागोनिस्टिक मतलब कि जो ये कहते हैं प्रोटागोनिस्ट है उसके फेवर में नहीं है, तो एंटागोनिस्टिक हो गई। एगिस, एगिस मतलब होता है सील्ड, इसी चीज से आपको कहते हैं कोई बचाए, कहते हैं सील्ड करें, प्रोटेक्शन, आपको जो प्रोटेक्शन दे, बचाव करें, जैसे करें एगिस, आई गिस, इसको हम छोड़ सकते हैं, इसमें गिस आ गया, ठीक है ना। करें आई, आई मतलब किसी को संबोधन कर रहे हैं, आई गिस को सिस, जो सिस होती है, क्या कहते हैं बहन होती है, उसका जो प्रदर होता है उसके लिए सबसे उसका शील्ड माना जाता है, कि हाँ मेरा भाई है, मेरे लिए क्या कहते हैं प्रोटेक्शन का काम करेगा, मेरा शील्ड होगा, मतलब आई गिस मतलब आई सिस, मैं तुम्हारा शील्ड बनूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता, ठीक ना। आई गिस मतलब अपनी सिस को शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक। अफेवर, अफेवर होता है फ्रेंडली, जो नेचर से फ्रेंडली हो, या आपको जो फ्रेंडली हो, इसका मतलब कि इजी टू टॉक, अगर फ्रेंडली होगा उससे आप आसानी से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अफेएबल मतलब एक अफेएबल, एबल है किसके एबल है, टॉक करने के एबल है, फ्रेंड बनाने के एबल है, ठीक है ना। एक अफेएबल, यहाँ से आप डबल एफ से फ्रेंड निकाल सकते हैं, मतलब अफेएबल मतलब फ्रेंडली हो सकता है, फ्रेंड बनाने के योग होगा, इजी टू टॉक होगा जब फ्रेंडली होगा, ठीक है ना। अफेक्टेशन, 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 एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि हम मान लीजिए कोई अच्छा काम किए हैं, कहीं आके आप बुला गया, जैसे आप कल हम लोग पढ़े थे इको लेट, पढ़े थे ना इको लेट, इको लेट कोलगेट करके हम लोग जा रहे थे आनंद पाने के लिए, कहते हैं तो आपको आनंद मिला है, आप जा रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशन है, आप कितने हैं, सोच रहे हैं कि कितने आपके अच्छा है कि हमें मतलब बहुत सम्मान मिलेगा, क्या कहते हैं वहां जाएंगे स्टेशन पे हमारा फूल माला स्वागत होगा। मगर जब वहां पहुंचे आप एक्सपेक्टेशन स्टेशन पे जब आप पहुंचते हैं क्या होता है आपके साथ, अननेचुरल बिहेवियर होता है, ठीक ना, आर्टिफिशियल बिहेवियर होता है, जो बनावटी बिहेवियर करते हैं, झूठे कोई किया नहीं ठीक है स्वागत कर लिया आपको बुरा लगा, ठीक है भाई क्या हुआ, अरे हम तो अफेक्ट बहुत कुछ अफेक्ट किए थे, कहते हैं मगर स्टेशन पे पहुंचे तो हमारे साथ अननेचुरल बिहेवियर किया गया, ठीक ना। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट मतलब होता है रिच होगा, प्रॉस्परस होगा, कोई चीज होगा रिच हो सकता है, संपन्न हो सकता है, वैसे भी किसी मतलब की अपने वर्चुअल मतलब गुण से भी हो सकता है, प्रॉस्परस मतलब होता है कि कोई चीज मतलब पर्याप्त है उसके पास। अफ्लुएंट मतलब देखिए उसे अफ्लुएंट, जैसे कोई बोलने में क्या कहते हैं फ्लुएंट है, कहते हैं फ्लुएंटली बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पास वर्ड पावर अच्छा है, उसके पास ज्ञान अच्छा है, फ्लुएंट है तो मतलब इसका रिच है, मतलब किसमें रिच है, क्या कहते हैं बोलने में अगर रिच है तो उसके वर्ड पावर ज्यादा है, कोई उसके पास अफ्लुएंट है पैसे के बारे में बात कर रहा है तो पैसा ज्यादा है, प्रॉस्पर है कोई उसको दिक्कत नहीं है, अफ्लुएंट अफ्लुएंट होगा फ्लुएंट है क्योंकि उसके पास ज्यादा है रिच है कोई भी हो सकता है। एजेंडा, एजेंडा जैसे कोई होता है कोई पोलिटिकल पार्टी जो होती है अपना क्या कहते हैं जब चुनाव वगैरह होता है तो अपना एजेंडा पेश करते हैं, कहते ना आज उनका एजेंडा होगा, तो प्रोग्राम कोई होगा क्या होने वाला है, व्हाट टू डन, ये व्हाट टू डू क्या करना है उसके बारे में हम क्या कहते हैं बताते हैं, एजेंडा है कहते हैं अपना एजेंडा बताइए आपका प्रोग्राम क्या है भाई आप क्या करने वाले, ठीक ना। अगर एग्रेरियन जैसा रिलेटेड टू लैंड या फार्मिंग, ठीक ना, ये एजीआर जो रूट वर्ड होता है एजीआर, इसका मतलब ये एग्रीकल्चर या फार्मिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, फार्मिंग होता है एजीआर एग्रेरियन, तो कि एग्रेरियन एग्रीकल्चर एग्रेरियन है रिलेटेड टू लैंड या फार्मिंग, जैसे एग्रीकल्चर बनाया है क्या कहते हैं, ठीक ना, एग्रीकल्चर वगैरह बनता है, ठीक है फ्रेंड, आगे हम लोग देखेंगे, थैंक यू।